आपको बता दें कि त्रिव देवों में से एक देव हैं शिव जी। जी हाँ, भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। ये तो सभी जानते हैं कि भगवान शिव को कई और नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे महादेव, भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र और नीलकंठ। बता दें कि तंत्र साधना से भगवान शिव को भैरव के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं भगवान शिव जी। वेद में इन्हें रुद्र के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो शिव इंसान की चेतना के अंतर्यामी हैं, यानी कि इंसान के मन की बात पढ़ने वाले भगवान हैं ये। इनकी अर्धांगिनी यानी देवी शक्ति को माता पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि भगवान शिव के दो पुत्र कार्तिकेय और गणेश हैं और एक पुत्री अशोक सुंदरी भी हैं। शिव जी को अपने अधिकतर योगी या ध्यान की मुद्रा में ही देखा होगा, लेकिन उनकी पूजा शिवलिंग और मूर्ति दोनों ही रूप में की जाती है और शिव जी के गले में हमेशा नाग देवता विराजमान रहते हैं और इनके हाथों में डमरू और त्रिशूल दिखाई देता है। बता दें कि शिव मत के अनुसार इनका कैलाश पर्वत में इनका निवास स्थान है और शिव मत के ही मुताबिक शिव के साथ शक्ति यानी देवी पार्वती सर्व रूप में पूजा जाती है, इसलिए इन्हें अर्धना ईश्वर भी कहा जाता है। भगवान सदाशिव पर ब्रह्म है। बता दें आपको कि अर्वजिनी और प्राचीन विद्वान इन्हीं को ईश्वर कहते हैं और अकेले रहकर अपनी इच्छा से सभी और विजरण करने वाले सदाशिव ने अपने शरीर से देवी शक्ति की सृष्टि को, जो उनके अपने अंग से भी कभी अलग होने नहीं देते थे। आप नहीं जानते होंगे कि देवी शक्ति को पार्वती के रूप में जाना गया है और भगवान शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में, पर वहीं देवी शक्ति को प्रकृति गुणवती माया बुद्धिता की जननी तथा विकार रहित माना गया है। बता दें कि श्रीमद देवी महापुराण के मुताबिक भगवान शिव के पिता के लिए भी एक कथा है और देवी महापुराण के मुताबिक एक बार जब नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से सवाल किया कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया, भगवान विष्णु ने या फिर भगवान शिव ने, आप तीनों को किसने जन्म दिया है, यानी आपके तीनों के माता पिता कौन है, तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से त्रिदेवों के जन्म की गाथा का वर्णन करते हुए कहा कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई है, यानी कि प्रकृति स्वरूप दुर्गा ही माता है और ब्रह्मा यानी कालस शिव पिता हैं। और एक बार श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया कि ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तेरा पिता हूँ क्योंकि ये सृष्टि मुझसे उत्पन्न हुई है, मैं प्रजापति हूँ। फिर इस पर विष्णु जी ने कहा कि मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरा नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। झगड़ा होने पर दोनों एक दूसरे को मारने के लिए तत्पर हो गए और उसी समय सदाशिव यानी काल ब्रह्म ने उन दोनों के बीच में एक सफेद रंग का चमकता हुआ स्तंभ खड़ा कर दिया था। फिर स्वयं शंकर के रूप में प्रकट होकर उनको बताया गया कि तुम कोई भी कर्ता नहीं हो, पर सदाशिव ने विष्णु जी और ब्रह्मा जी के बीच आकर कहा, हे पुत्रों, मैंने तुमको जगत की उत्पत्ति और स्थिति रूप दो कार्य दिए हैं, इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को दो कार्य संहार और तिरोगति दिए हैं। मुझे वेदों में ब्रह्म कहा और मेरे पांच मुख हैं, एक मुख से आकार आ, दूसरे मुख से उकार उ, तीसरे मुख से मुकार मा, चौथे मुख से बिंदु प्रकट हुए हैं शब्द तथा पांचवें मुख से नाथ, उन्हीं पांच अवयवों में से एक एकीभूत होकर एक अक्षर ओम बना है, ओम, और ये मेरा मूल मंत्र है। बता दें कि उपरोक्त शिव महापुराण के प्रकरण से सिद्ध हुआ कि श्री शंकर जी की माता श्री दुर्गा देवी है, अष्टांगी देवी तथा पिता श्री शिव अर्थात काल ब्रह्म है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।